विजय सिंह, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फॉरेन लैंग्वेज का फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। आज मेरा प्रथम दिन था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट में क्लास का। जब मैं क्लास जाता हूँ, मेरी 10:50 पर क्लास शुरू होती है फॉरेन लैंग्वेज स्पेनिश की, जिसमें 10:55 पर टीचर आता है लेक्चर लेने लग जाता है। उसके बाद 11 पीरियड होता है, वो लेक्चर 1 घंटे का होता है, ख़त्म होता है 11:50 पर। मगर उसके बीच में ही 10:10 पर सीनियर्स आते हैं, चाहे PhD के हों या BA फॉरेन लैंग्वेज के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हों, वो लोग आते हैं और टीचर से कहते हैं, टीचर्स हमारा पीरियड ख़त्म करके चले जाते हैं कि कल होगा जो कुछ होगा। फिर वो सीनियर्स आते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ बैठे होते हैं, सबसे एक एक करके खड़ा करते हैं, खड़े होते हैं तो फिर कहते हैं, बैठिए, अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हो, चलिए बाहर चलिए, फिर अंदर आइए। इस तरीके का वो व्यवहार करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स थे वो थोड़े डरे हुए थे, उन्होंने जैसे उन्होंने कहा वैसे किया। जब मेरा सीरियल वाइज में नंबर आया तो उसका मैंने विरोध किया और मैंने इसकी कंप्लेन, मुझे जैसे पता चला कि समझ में आया कि रैगिंग हुई है, इसका मैंने विरोध किया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोक्टर को कंप्लेन करी, वाइस प्रोक्टर को कंप्लेन करी, PVC से कहा, उन्होंने पूरी प्रोक्टरल टीम भेज दी। उसके बाद प्रोक्टरल टीम पूरी आती है यूनिवर्सिटी में और जितने भी वहाँ छात्र होते हैं जो सीनियर्स, उनको उठा के ले जाती है बाहर तक। और उसके बाद इतना आप देख रहे हैं और वहाँ आप पूछेंगे, इतना भेदभाव होता है, जितने भी स्टूडेंट्स मुस्लिम होते हैं उनको बाहर ले जाते हैं, तो वहीं से बाहर छोड़ देते हैं जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं। इसकी कंप्लेंट मैं प्रोक्टर साहब से भी करता हूँ और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसमें कार्रवाई करेंगे। मेरी 2:45 पर एक और क्लास थी, तब मैं जाता हूँ अपने थोड़ी देर बाद, तो वहाँ पहले से ही फैकल्टी के बाहर 40-50 बच्चे पहले से ही तैयार बैठे होते हैं कि कब अजय सिंह का भाई आएगा, विजय सिंह, जिसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। इस तरीके का प्रकरण मुझे पता चलता है वहाँ, तो मेरे को हमला करने के लिए पहले से ही वहाँ बैठे होते हैं। और वहाँ प्रोक्टरल टीम भी थी, उनके सामने उन्होंने बदतमीजी भी करी, फिर मैंने भी कहा उनसे कुछ बहुत सी चीज़, मगर उसमें कोई कार्रवाई अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नहीं की है। उसकी तहरीर मैंने प्रोक्टर टीम को भी दी है, प्रोक्टर साहब को भी दी है और उसकी पढ़ने वाले एक छात्र ने ये आरोप लगाया है कि उसके और क्लास के कई लड़कों के साथ रैगिंग की गई, तो यूनिवर्सिटी जो है इस पूरे मामले से अवगत है। वो यूनिवर्सिटी ने इस रैगिंग से निपटने के लिए डिपार्टमेंट की सतह पे भी और फैकल्टी की सतह पे भी कमेटियां बनाई हैं, एंटी रैगिंग कमेटी है। तो जैसे यूनिवर्सिटी को कंप्लेंट मिली, प्रॉक्टर ऑफिस को कंप्लेंट मिली, उन्होंने एंटी रैगिंग कमेटी को ये कंप्लेंट भेज दी। एंटी रैगिंग कमेटी ने उसको नोटिस, जो आरोपी छात्र हैं उनको इशू कर दिया गया, उनका जवाब जैसी आएगा। और जो भी यूनिवर्सिटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में स्टूडेंट कंडक्ट में जो रूल्स लिखे हैं उन्हीं के अनुसार यूनिवर्सिटी कार्रवाई करेगी। आपके BA फर्स्ट ईयर के छात्र ने एक प्रार्थना पत्र है रैगिंग के संबंध में, उन्होंने एक प्रॉक्टर को दिया है तथा एक थाना क्षेत्र सिविल लाइन में दिया है। इस पर प्रार्थना पत्र के आधार पर जाँच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें गाली गलौज तथा हूटिंग वगैरह के विषय में बताया है, तो इस संबंध में जांच की जा रही है तथा जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।